हर हर गंगे जय माँ गंगे। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों चार धाम यात्रा शुरू हो गई है और हरिद्वार में काफ़ी क्राउड देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हो हरिद्वार का। दोस्तों चार धाम यात्रा शुरू होते ही देवभूमि उत्तराखंड की घाटियों और पहाड़ जैसे कि जीवित हो उठे हों। छोटा चार धाम यात्रा भारत में सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है। हजारों लाखों श्रद्धालु अपने आराध्यों के दर्शन के लिए दूर दूर से देवभूमि हरिद्वार की पवित्र धरती पर कदम रखते हैं। चार धाम का अर्थ है चार आराध्य और वे हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हर साल वैदिक भजनों मंत्रों के उच्चारण और हजारों भक्तों की उपस्थिति में मंदिरों के द्वार खुलते हैं जो अगले 6 महीनों तक भक्तों के लिए खुले रहते हैं। आप देख रहे हो हरिद्वार हर की पौड़ी पर काफ़ी क्राउड देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु हरिद्वार होकर जरूर जाते हैं। हरिद्वार आस्था की डुबकी लगाकर गंगा स्नान कर फिर आस्था की डुबकी लगाने के बाद फिर चार धाम यात्रा पर निकलते हैं। आप देख रहे हो हरिद्वार में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। और दोस्तों वैसे भी चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार हरिद्वार को ही माना गया है। और दोस्तों आप जानते हो चार धाम यात्रा इतनी लोकप्रिय क्यों है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार चार धाम यात्रा कर ले तो वह उन सभी पापों से मुक्त हो जाता है जो उसने अपने अतीत में किए थे और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। यह दृढ़ विश्वास दुनिया भर के हजारों तीर्थ यात्रियों को चार धाम यात्रा के लिए प्रेरित करता है। और दूसरा कारण है, पहले के दिनों में हर माता पिता का सपना होता था कि उनके बच्चों उनको तीर्थ यात्रा पर ले जाए, और यह कहा जाता है कि अपने माता पिता को चार धाम यात्रा पर ले जाने जितना धार्मिक रूप से पवित्र कार्य है और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज भी लोग अपने माता पिता की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चार धाम यात्रा पर ले जाते हैं। और तीसरा कारण यह है कि वे चार तीर्थ स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हैं जो बर्फ़ की मोटी परत और आकर्षक वातावरण से घिरे हुए हैं। प्राकृतिक वातावरण जड़ी बूटियों, हरियाली और सभी रोग मुक्त बनाती है और इस जगह पर ध्यान लगाने से जीवन लंबा होता है। यही कारण था कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते थे। ऐसे ही रोचक जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ आगे शेयर जरूर कर दिया करें। दोस्तों अगर आप इसी तरह हरिद्वार ऋषिकेश से जुड़ी यात्रा से संबंधित कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया हर हर महादेव जरूर लिख दिया करो। दोस्तों इसका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में होता है। आप देख रहे हो हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मार्केट पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। ये देखिए आप हर की पौड़ी पर जाने का रास्ता, यहाँ पर भी विंडो पर अपने जूते चप्पल को जमा कराने के लिए काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। बहुत ही अल्टीमेट व्यू आप देख रहे हो हरिद्वार का, बहुत ही सुंदर ताज़ा दृश्य है।
आप भी दोस्तों अगर हरिद्वार आने का प्लान बना रहे हो या चारधाम यात्रा पर आने का प्लान बना रहे हो तो आप आ सकते हो। हरिद्वार आकर भी आप चारधाम यात्रा का प्लान बना सकते हैं। हरिद्वार से भी आपको टैक्सी और छोटी बसें जो हैं किराए पर मिल जाएंगी चारधाम यात्रा के लिए। आप देख रहे हो काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, बहुत ही सुंदर नज़ारा, ताज़ा दृश्य आप देख रहे हो हरिद्वार का। दोस्तों अगर आप हरिद्वार पर चाहे हो गंगा स्नान कर आस्था की डुबकी लगाने, तो गंगा स्नान करते समय अपना सामान किसी भी अनजान व्यक्ति के पास ना छोड़ें और जेब कतरों से यहाँ पर सावधान रहें। अच्छा दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रोचक जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय गंगा मैया हर हर महादेव। आप भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया हर हर महादेव जरूर लिखना दोस्तों। अच्छा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गंगा मैया हर हर महादेव।